दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों की उम्र में खुलती है आपकी किस्मत, कब होता है आपका भाग्य उदय और कौन से व्यापार और करियर में जाने की संभावना सबसे ज़्यादा आपके जीवन में होती है और किस क्षेत्र में आपको सफलता सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे अधिक मिलती है, तमाम बातों को आज आपके साथ हम साझा करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। साथ में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें, जय शनिदेव लिखना ना भूलें ताकि आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। इस वीडियो पर एक लाइक कर दें क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो कंजूसी ना करें, वीडियो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि का मतलब होता है संतुलन, क्योंकि तुला राशि का मतलब ही ये होता है बैलेंस को दर्शाना। और आपका जो प्रतीक चिन्ह है, तुला राशि का जो चिन्ह है, इसका मतलब है आप बहुत ही ईमानदार हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो तराजू के दो पलड़े लेकर अपने हाथ में खड़ा है, दोनों पलड़े एक समान होते हैं और हर चीज़ में आप संतुलन तरीके से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। वैसे तो देखिए आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और शनिदेव की सबसे प्रिय राशि तुला राशि होती है, तो अब शुक्रदेव जो कि प्यार के प्रतीक हैं, भौतिक सुख के प्रतीक हैं, सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं, जीवन में खुशियों के प्रतीक हैं, तो ऐसे में अक्सर आपको गलत समझा जाता है। वैसे तो देखिए सुंदरता के प्रति शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी होने का ये मतलब है कि आपके जीवन में ढेर सारा प्रेम होता है, प्यार होता है। हालांकि आप प्यार के मामले में बहुत आदर्श होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, आपके जीवन में प्रेम ही सब कुछ होता है, आप अपडेट रहना पसंद करते हैं और हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहता है, इसलिए आप में सौंदर्य भी होता है, आपकी वाणी में एक मिठास होती है। जी हाँ मित्रों, तुला राशि जो कि राशि चक्र की सातवीं राशि है, तो अब ये सातवीं राशि यानी कि यहाँ पर आप अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो फिर बहुत अच्छा आपके लिए साबित होता है। आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, तमाम चुनौतियों का सामना बहुत संतुलन तरीके से आप करते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप विचलित नहीं होते, घबराते नहीं हैं और जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करके फेयर डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं। हालांकि कुछ जिम्मेदारियां भी आप में होती हैं, क्योंकि आपको लड़ाई झगड़े वाली बात करना अच्छा नहीं लगता, वाद विवाद से आप हमेशा दूर रहते हैं। वैसे तो आप भाग्यवादी होते हैं, थोड़े से कभी कभी आप में कुछ चीज़ें नकारात्मक भी हो जाती हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ा बदलाव भी देखा जा सकता है। लेकिन आपको इससे पहले आपको समझाते हैं कि तुला राशि वाले जो बहुत ही मिलनसार होते हैं, उनको किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए या फिर किस क्षेत्र में आपको सफलता होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, आपकी किस्मत का दरवाज़ा किस उम्र में खुलता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों शनिदेव की ये सबसे प्रिय राशि तुला राशि होती है और शनिदेव वाले क्षेत्र में आपको तरक्की भर भर कर मिलती है। वैसे भी आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और ये 2022 जुलाई तक रहने वाली है। अब इतने समय तक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल आपके रहने वाली है, लेकिन ये ढैया आपको मालामाल ही करेगी, क्योंकि शनिदेव आपको परेशानियां कम देते हैं, खुशियां ज़्यादा देंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट रहने वाले होते हैं, दिमागदार होते हैं, लोगों से बात करना, लोगों की अपनी बातों में लगाए रहना, यानी कि आप किसी से भी अपनी बात आसानी से मनवा लेते हैं, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो बात करने का तरीका है, अगर आप खरीदारी या बिक्री का काम करते हैं, व्यापारी हैं, तो यकीन मानिए बहुत खूबसूरती के साथ तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप शांतिप्रिय होते हैं, आप में शांति बहुत ज़्यादा होती है, जोशीले भी आप बहुत होते हैं, इसलिए शायद हर क्षेत्र में हर मामले में आप लकी साबित होते हैं, क्योंकि आप जोश में होश नहीं खोते, क्योंकि धैर्य आपके अंदर बहुत होता है। आपके अंदर इसके अलावा आप आकर्षण भी बहुत होते हैं,
इसलिए आसानी से लोग आपकी बातों में आ जाते हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और इसी वजह से आप सफलता बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। न्याय के मामले में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं क्योंकि आपको अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ईमानदार, निष्पक्ष, भरोसेमंद, यानी जितना भी आपके बारे में कहा जाए वो कम होगा। जीवन में सुख और आनंद दोनों ही आप प्राप्त करते हैं। हालांकि हर किसी की मदद करने वाले, हर किसी की सहायता करने के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं, परंतु गलत जब होता है जब आप जिनकी मदद करते हैं, जिनकी सहायता करते हैं, वो लोग ही आपके बुरे वक्त में, बुरे समय में आपका साथ नहीं देते। यानी कि जिन लोगों की मदद आपने उनके बुरे समय में की थी, वो लोग आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि लोग आपसे मतलब के लिए बात करते हैं, जब आपसे काम निकल जाता है तो अब आपका साथ छोड़ देते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं क्या मेरी बात गलत है। जिन लोगों का आपने उनके बुरे वक्त में साथ दिया था, क्या वो लोग आज आपके साथ हैं या फिर आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं? तो दोस्तों, हर किसी की आप मदद ज़रूर करें, लेकिन देखकर करें कि वो व्यक्ति मदद के काबिल है या नहीं है। आप हमेशा बहुत ज़्यादा दूसरों की सहायता करते हैं। लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ें आपको पसंद नहीं होती और दूसरी तरफ एकदम शांत रहते हैं। आराम भी आपके जीवन में आपको बहुत पसंद होता है क्योंकि आप अपने प्राकृतिक रूप से कलात्मक होते हैं। शुक्र वाले क्षेत्र में भी आप बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक हुए, वस्त्र हुए, होटल, ट्रैवल, टूर या फिर आपका पार्लर हो सकता है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपका अच्छा खासा रुतबा हो सकता है। आप बेहद लाभ कमा सकते हैं। अच्छे गाइड आपको, अच्छे सलाहकार, अच्छे न्यायाधीश या फिर आप मनोवैज्ञानिक, शुक्र वाले क्षेत्र में, मीडिया क्षेत्र में, संगीत, कला, इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए सफलता के द्वार बड़ी आसानी से खुल सकते हैं। आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हम तुला राशि वालों के बारे में आगे बात करें तो यहाँ पर जीवन में हमेशा ही आप अच्छा करना चाहते हैं। यानी कुछ भी आपके जीवन में होता है, आप हमेशा ही अपने दिमाग को शांत रखते हैं। शायद इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल एक संतुलित रास्ता अपनाकर आप आगे बढ़ते हैं। इसी कारण विपरीत लिंग भी आपके प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। और तुला राशि वालों की बहुत सारी खूबियां हैं। आपको बता दें कि ये तुला राशि जो होती है, ये तीन नक्षत्रों से मिलकर ही बनी है। चित्रा, स्वाति और विशाखा, चित्रा नक्षत्र के तुला राशि वाले जो लोग होते हैं, उनका स्वामी मंगल है। तो यकीनन घूमने फिरने के ये शौकीन होते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, खाने पीने के ये बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। चंचलता इनमें ज़्यादा होती है। ये मानसिक रूप से बहुत मेहनत करते हैं। जो स्वाति नक्षत्र के तुला राशि वाले होते हैं, उनका स्वामी राहु होता है। तो तब ऐसे में आप भाग्यवान होते हैं बहुत ज़्यादा। विशाखा नक्षत्र वाले जातकों का जो स्वामी होता है वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो ऐसे में जो तुला राशि वाले होते हैं, ये थोड़े कम शौकीन होते हैं, थोड़े से कभी कभी दुविधा में रहते हैं और जीवन में दुविधा के कारण बहुत बार अच्छे अच्छे मौके इनके हाथ से छूट जाते हैं। ये थोड़ा सा आलसी भी होते हैं क्योंकि इनके आलस्य के कारण बहुत से ऐसे मौके ज़िंदगी में इनके हाथ से निकल जाते हैं। वैसे तो देखिए, आपके अंदर ढेर सारी संभावनाएं होती हैं, असीम संभावनाओं की आप मालिक हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की, आपके करियर की और आपके भाग्योदय की। आपका भाग्योदय आपके उम्र के कितने वर्षों में होता है, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार चल रहा है और इसी इंतजार को आज हम समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। तुला राशि वालों, आपके बारे में जितनी भी बातें की जाएँ वो कम होगी क्योंकि आप सबसे जुदा होते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा अद्भुत होता है। आपके स्वामी शुक्रदेव हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे आप व्यापारी बन सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। आप अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। महंगे कपड़े पहनना आपका शौक है, महंगे परफ्यूम लगाना आपको पसंद है। यानी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही लग्जरी लाइफ जीना आप पसंद करते हैं। आप इतने बुद्धिमान होते हैं कि आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। और एक्टिंग वाले क्षेत्रों में, यानी कि कला के क्षेत्र में, आप बहुत नाम, यश, पैसा कमा सकते हैं। अब इतने सारे जब आपके अंदर गुण हैं तो तुला राशि वालों, जैसा कि हमने कहा है कि चित्रा नक्षत्र के प्रतीक और स्वाति नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आप तुला राशि वालों, हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की। आपका जो करियर होता है वो शनिदेव, बुध देव और शुक्रदेव तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं आप कौन से करियर में जाओगे। ये तीनों ही ग्रह बताते हैं। ऐसे में आमतौर पर देखा गया है कि आप इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, शिक्षा या कानून के क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं और जीवन के 45 वर्ष के बाद कभी कभी आप ग्लैमर के व्यवसाय में आ जाते हैं नौकरी छोड़ने के बाद। और अक्सर देखा गया है कि आप कभी नौकरी करते हैं तो कभी कारोबार करते हैं, यानी फेरबदल अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में आप करते रहते हैं। वैसे तो देखिए, तुला राशि वालों, वायु तत्व की आपकी राशि है तो यहाँ आपके लिए जितना भी कहा जाए कम है क्योंकि आपके अंदर असीम संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे में आपके लिए जलीय व्यवसाय, यानी कि जल से जुड़ा लिक्विड चीज़ों से व्यापार करना
लिक्विड चीज़ों से जुड़ा व्यापार करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि पेट्रोलियम, सुगंधम, परफ्यूम वगैरह। वस्त्र के विक्रेता भी आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। चलिए अब बताते हैं किस उम्र में आपको सफलता मिलती है। देखिए, आमतौर पर उम्र के 16 वर्ष में, 34 वर्ष में, 42वें वर्ष में और 51वें वर्ष में आपकी किस्मत का साथ अचानक से आपको मिल जाता है। आपकी किस्मत का ताला अचानक से खुल जाता है, यानी आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक रूप से तरक्की पाने के जो योग होते हैं वो इन वर्षों में खुल जाते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।